हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉपर्स बाय पूजा सूरी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें क्वेश्चंस करने हैं मैथ्स के, ऐड और सब्ट्रैक्ट हमें करना है रैशनल नंबर्स को या फ्रैक्शंस को। तो हम फटाफट से शॉर्टकट मेथड क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के डेज आ रहे हैं तो हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेशन फटाफट करते हैं और काफ़ी देर लग जाती है, हमारा पेपर छूट जाता है ज़्यादातर मैथ्स का। तो हम आप काफ़ी सारे दिन जो अब आएंगे लेटेस्ट इस हफ्ते के, तो हम शॉर्टकट्स लेके आएंगे आपके लिए मैथ्स के, जिससे आप चुटकियों में फटाफट कर लेंगे सब को सॉल्व और आपका टाइम भी बहुत सेव होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग सी ट्रिक्स होने वाली हैं और आपके स्टेप्स बचेंगे बहुत सारे, पेपर तो बचेगा ही आपका टाइम भी बचेगा। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, एंड तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। पहले हम आपको बताते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ज़्यादातर बच्चों को पता होगा वो क्या करते हैं, हम करने वाले हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट अनलाइक फ्रैक्शंस को, यानी कि आपकी लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर अगर आपका चेंज है तो हम क्या करते हैं। सबसे पहले बच्चे इसको एलसीएम लेते हैं, 4 और 5 का एलसीएम लिया, फिर 20 निकालेंगे, फिर देखेंगे कि 4 की टेबल में 20 किस पे आ रहा है, 5 पे, 5 3 जा मल्टीप्लाई करेंगे धन उससे, फिर 5 की टेबल में 20 किस पे आ रहा है, 4 पे, तो 4 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर इन दोनों को हम माइनस करेंगे, फिर हमारा आंसर आता है। तो हमारा कितना टाइम लग गया और टाइम लगने के बाद बाद हमारा पेपर भी कितना कंज्यूम होता है। अब हम क्या करने वाले हैं पेपर में, आप सिर्फ 2 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फटाक से आप 1 मिनट से भी पहले निकाल लेंगे इसको। पहले मैं प्रैक्टिस आपको आराम से करा देती हूँ, फिर बताऊंगी जल्दी से इसको कैसे करना है। मैंने लिख लिया हमारा जो क्वेश्चन था, क्या करना है आपको कि आपको ओरली मल्टीप्लीकेशन करना है, 5 को 3 से यानी कि जैसे कि 15, 4 को 2 से यानी कि 8, इनके बीच में माइनस है, बस आपको माइनस करना है और यहाँ पर इनका मल्टीपल लिखना है, दैट्स ऑल। ये चीज मैंने करके बताई आपको, 1 मिनट से भी कम टाइम लगा, लेकिन जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप विद इन सेकेंड कर लेंगे, देखते हैं कैसे। मैं इसको ओरली आपको करके बताती हूँ, 3 2 6 6 में से 15 जाना है आपका, तो -9 आता है और नीचे इसका मल्टीपल, तो मुझे पेपर का भी यूज नहीं करना पड़ा और मेरा क्वेश्चन फटाक से हो गया। दैट मीन्स मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 मिनट, तो मेरा कितना टाइम बचता है। पहले मैं इसको एलसीएम लूंगी, फिर मैं डिवाइड करके देखूंगी किस पे जा रहा है, फिर मैं उस पर मल्टीप्लाई करूंगी, फिर नेक्स्ट माइनस करूंगी, फिर लिखूंगी, तो इतने सारे स्टेप्स हमारे बच जाते हैं एग्जाम में। एक बार मैं आपको एक एग्जांपल से और प्रैक्टिस करा देती हूँ प्लस वाले, जैसे कि अगर यही प्लस का नंबर हो जाता है तो आपको मन में क्या करना है, पहले मैं मन में बता सकती हूँ आपको और वैसे भी कर सकते हैं, 5 3 15, यहाँ पर आपने एक बारी प्रैक्टिस कराने के लिए लिखवा देती हूँ, यहाँ पे आ गया आपका 15, 4 2 जा यहाँ आ गया मेरा 8, बस इसको मुझे प्लस करना है 23, नीचे मेरा यहाँ पर इसका मल्टीपल आ जाता है, यानी कि ऊपर आपको प्लस लिखा हुआ तो प्लस करना है, नीचे हमेशा मल्टीपल ही लेना है, मल्टीप्लाई लेना है, चाहे हम माइनस कर रहे हैं चाहे हम प्लस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने जब यहाँ माइनस किया था इसको तब भी मैंने मल्टीपल लिया था, जब मैं ऐड कर रही हूँ तो भी इसको मल्टीप्लाई ही करना है, 4 5 20 ही लेना है, चाहे ऐड करूँ चाहे माइनस करूँ, बस करना क्या है इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई में, 3 5 15, 4 2 8, अगर प्लस है तो प्लस कर दिया, माइनस है तो माइनस कर दिया। देखते हैं कि एग्जांपल से इसको फटाक से कैसे करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, मैं एक बार एक एग्जांपल से जल्दी से करके बताती हूँ। जैसे ये आपका 3 by 15 प्लस 1 by 2 है, तो मुझे पता है 3 2 6, 5 1 जा 15 1 जा 15, तो 6 और 15 मेरा कितना हो गया 21 और ये मल्टीप्लाई करके 30, सो सिंपल। उम्मीद है बच्चों आपको पसंद आई होगी वीडियो, ऐसे ही और शॉर्टकट्स के लिए कि फटाफट से हमारे क्वेश्चंस हो जाएं कंप्लीट, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट दिनों में हम वही वीडियोस डालने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ्स के, साइंस के, या जो भी सब्जेक्ट्स की आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम उसके शॉर्टकट्स मैथड बताएंगे आपको कैसे हैं, मतलब कैसे आप मैथ्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो इजीली, और आपका टाइम भी बचेगा और आप मार्क्स भी बहुत बढ़िया बढ़िया लेके आओगे, क्योंकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी रेडी कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए।